सात दिनों से हमारा प्रोग्राम मिशन शिक्षण संवाद का चल रहा है, पूरे सात दिन चल रहा है ये। और इसमें आज हम कोविड-19 के बारे में चर्चा करेंगे। कोविड-19 क्या है? वैसे तो आप सब लोग न्यूज चैनल्स में देख ही रहे हो कि कोविड-19 क्या है। हम लोगों को पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि हम लोग ना तो स्कूल आ पा रहे हैं और ना अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहे। टीचर्स से मिलने को बच्चे तरस गए और बच्चों से मिलने के लिए टीचर्स तरस गए। सब जगह ये हो रहा है। तो बच्चों आज हम कोविड-19, वैसे तो हम सभी जानकार है, पूरे न्यूज चैनल में सब जगह यही चल रहा है, लेकिन आज मिशन शक्ति 2020 के अंतर्गत हम कोविड-19 के बारे में चर्चा करेंगे। कोविड-19 क्या है? ये एक सर्दी जुकाम जैसी एक बीमारी है जो हमारे गले और नाक में प्रॉब्लम करके हमें सर्दी जुकाम जैसा एहसास होता है, फीवर होता है, शरीर में जकड़न होती है। इसके ये लक्षण है अगर ये बीमारी किसी को लग गई। इससे हमें बचाव कैसे, इससे कौन लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर्स। अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग तो अपने घरों में दुख के बैठे हैं, लेकिन डॉक्टर क्या कर रहे हैं? अपनी ड्यूटी पे कंटिन्यू फोकस किए हुए हैं और हम लोगों की जान बचाने के लिए, चाहे वो मास्क पहन रहे, चाहे वो पॉलिथीन के कपड़े पहन रहे, सब पहन के भी हमारी जान बचाने के लिए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए बीमार, हम बीमार से बच रहे हैं सब, हम उससे दूर रह रहे हैं जो बीमार है, लेकिन डॉक्टर उसी के पास जा रहे हैं जो बीमार है उसे बचाने के लिए। दूसरे आते हैं हमारे सफाई कर्मचारी, वो हर जगह सैनिटाइज कर रहे हैं, करके रास्ते कितनी सफाई से मिल रही है। आप देख रहे होंगे गाँव में दो दो बार झाड़ू लगाने वाला आ रहा, दवाई छिड़कने वाला आ रहा, क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश हुए कि ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई अगर हम रखेंगे तो हमारी इस बीमारी से हम बचाव पा सकते हैं। तीसरा मीडिया। मीडिया क्या होती है? जो हमें न्यूज पेपर में हम पढ़ते हैं, टीवी पर हमें दिखाया जा रहा है, उसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि कहाँ कौन बीमार है, कौन कैसे है। तो मीडिया भी अपने काम पे डटी हुई है। और सबसे जरूरी पुलिस। देखा, हमारे अंदर डर बैठ गया कि अगर पुलिस दिखाई दे रही हमें मास्क लगाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। पुलिस भी गांव में भी चक्कर लगे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा जब कंप्लीट लॉकडाउन रहा तो उस लॉकडाउन के अंतर्गत गांव में भी रोज पुलिस के चक्कर रहे, अपने घरों से बाहर ना निकलो, सब लोग अंदर रहो, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वो लोग अनाउंसमेंट कर करके हमें बता रहे हैं। तो ये चार लोग तो हमारी हेल्प कर रहे हैं और हमें उस टाइम का आ गया स्टे एट होम, अपने घर पर रहिए। अपने घर पर रहके क्योंकि हम बाहर किसी व्यक्ति के उसमें नहीं आएंगे, सिर्फ हमारे जो घर से बाहर गया उसे हम नहला धुला देंगे, कपड़े चेंज कर लेगा, तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। इससे बचने के हमारे सबसे जरूरी चार चीजें हैं। सबसे पहले तो सामाजिक दूरी बनाए रखें। देखो जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे हैं यहाँ, है ना। और देखो मैं भी फिलहाल मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, वैसे मास्क लगाना जरूरी है। मैंने क्यों नहीं लगा रखा? मुझे बोलना है और मैं तुम लोगों से बहुत दूरी पे हूँ, किसी के पास हम, जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ मैं मास्क का यूज कर लेती हूँ। तो सामाजिक दूरी बना के रखनी है। कोई बाहर का व्यक्ति है उससे थोड़ा सा दूर रह के हमें खड़े होकर बात करनी है, बिल्कुल चिपक के नहीं। क्लासरूम में हमें बैठना है तो हमें दूर दूर होके बैठना है, पास पास नहीं। जैसे आप बैठे हैं, पहले हम कैसे बैठते थे? अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे हाथ मिला के, गले मिला के, चलो एक साथ खाना खा रहे। लेकिन अगर हमें इस बीमारी से बचे, क्योंकि हमें तो नहीं पता ये कहाँ से आया, इसके घर कौन आया होगा, क्या पता इसे बीमारी ने जकड़ दिया हो, इसलिए सामाजिक दूरी बनानी जरूरी है। दूसरा है मास्क लगाए। आप लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, ये क्यों लगाया? ताकि नाक और मुंह के जरिए कोई कीटाणु हमारे अंदर जाके हमें बीमार ना कर सके। तीसरी चीज है कोई भी रोड पर ना निकले। उस टाइम को रोड पे नहीं निकलना था हमें जब कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन अब हमें रोड पे भी निकलना पड़ रहा। आप भी देख लोगे, आपके पेरेंट्स भी काम पे भी जा रहे, खेती का भी काम कर रहे, लेकिन बहुत सारी सावधानियों के साथ। हाथों को सैनिटाइज करें। हाथों को सैनिटाइज, जैसे सुबह देख रहा होगा आपने कि एक उसमें से निकाल के सैनिटाइजर हाथ में मल लिया। ज्यादा से ज्यादा साबुन से हाथ धुलो। जैसे हम यहां से गए, फटाफट हाथ धुले, मुंह धुला, हाथ पैर धुले, जिसका नहाने का वो नहा लो। तो इस तरह हमें खुद को बचा के रखना कोविड-19 की बीमारी से। जब स्कूल भी खुल जाएंगे तब भी हमें बहुत सावधानी के साथ इस बीमारी से बच के रहना है। थैंक यू बच्चों।